हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं हूँ जी लंदन में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के सामने, और सड़क है दूसरी तरफ है लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन वेस्टमिंस्टर, और लंदन में इसे ट्यूब स्टेशन बोलते हैं। और इस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ वेम्बले स्टेडियम में नहीं जा रहा फुटबॉल वाले, मैं आपको एक हिंदू टेम्पल में लेके जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। तो अब मैं पहुंच गया हूँ जी वेम्बले स्टेशन, और ये है एंट्रेंस और एग्जिट। तो चलते हैं बाहर। ये जो वेम्बले है, यहाँ भी इसे मिनी इंडिया बोला जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वे गुजरातियों की है। ये मेरे पीछे है वेम्बले स्टेशन, और मैं पैदल जाऊँगा स्वामी नारायण टेम्पल की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी के ऊपर है। अब मैं इंडियन रेस्टोरेंट से बाहर आ गया हूँ, और मैं अब ये मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। और ये फिर मैं आपको दिखला दूँ, ये जो बसेस हैं जा रही हैं सैडबरी टाउन 204, इसके बाद मैं इस जगह पे दोबारा नहीं आ पाऊँगा, तो आगे मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, मैं 2 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ सामने से पैदल चलते हुए लंदन के मिनी इंडिया यानी कि वेम्बले की सैर करते हुए, मज़े लेते हुए गन्ने का जूस देखा, चाट पापड़ी की दुकानें देखी, और साउथ इंडियन कपड़ों की दुकानें देखी, ये सब देखते हुए फाइनली अब पहुंच चुका हूं जी सनातन धर्म मंदिर। तो ये एक बहुत ही लाजवाब बिल्डिंग नज़र आ रही है मुझे, ये सामने ये लिखा हुआ है जी हिंदू सनातन धर्म मंदिर। तो इसके साथ ही ये जो है जी, यहाँ भगवत गीता कथा यहाँ होती रहती है रोज, उसकी डिटेल भी लिखी हुई है। लेकिन ये मंदिर देख के तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लंदन में भी एक छोटी सी सब अब लंदन के, जहाँ की गुजराती कम्युनिटी ज़्यादा है, उन्होंने इतना भव्य मंदिर बनाया है, तो देख के तबीयत खुश हो जाती है। तो इसके बाद मैं चलता हूँ जी अंदर मंदिर के। ये श्री सनातन धर्म हिंदू मंदिर ओपनिंग टाइमिंग में लिखे हुए हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड, एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन एनी पार्ट ऑफ सेक्रेड टेंपल प्रेमिसेस। ये मंदिर को लगे थे जी 14 साल बनाने में, और ये 2010 में कंप्लीट होने के बाद पब्लिक के लिए खुला था। ये सारे का सारा लाइम्स और इंडिया से इंपोर्ट किया गया है, और गुजरात में एक टाउन है 16, यहाँ जितने भी एग्जीक्यूटिव कार्विंग्स आप देख रहे हैं, कुछ उन्होंने उस 16 टाउन में बना के यहाँ इम्पोर्ट की गई थी। और इस ये मंदिर जो है जी तकरीब 2.4 एकर्स में बना हुआ है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। दोस्तों, इस मंदिर में 41 डीटीज़ की मूर्ति लगी हुई हैं, क्योंकि फ़ोटो लेना अंदर से मना है, तो वे तो मैं आपको नहीं दिखला पाऊँगा। लेकिन ये जो मंदिर देख के बिल्कुल तबीयत प्रसन्न हो गई है, लंदन में ऐसा मंदिर बनाना एक अपने आप में बहुत ही जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वाह जी वाह, क्या कमाल की चीज़ है। तो मैं मंदिर के दर्शन करके आ गया हूँ जी। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मैंने की नहीं है, लेकिन अंदर ये बहुत ही खूबसूरत और मन को शांति देने वाला माहौल था। पीछे मेरे है जी ये सिटिंग एरिया और शू डिपॉजिट स्टोर। तो दोस्तों, मैं ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सराउंडिंग व्यूज़ आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। पूरा इंडियन माहौल है यहाँ आस पास। ये अब वेम्बले में सनातन धर्म मंदिर के साथ ही मैं वापस जा रहा हूँ वेम्बले स्टेडियम की तरफ, और ये आगे जो है ये हलाल मीट सेंटर है, इसको भी मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये कैमरा आया जी दुकान के अंदर, और ये हलाल मीट शॉप है, तो ये फूड हाइजीन भी लिखना पड़ता है, ये रेटिंग वेटिंग दे रखी है इन्होंने, ये सब यहाँ दुकानें हैं। और रेट्स के बारे में तो खैर मुझे नहीं पता चल रहा है, ये लिखे हुए हैं राइट, ये है जी क्वालिटी, ये जो है होल लैम ये पढ़ा नहीं जा रहा है, क्वालिटी 590, ये नहीं मुझे समझ आ रहा है, रेट नहीं पता चल रहे हैं, ये इन्होंने किया है तो। लेकिन ये दुकान नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीट शॉप के बाहर मैं आ गया हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि सब्जियों के रेट के बारे में भी अंदाज़ दे दूँ। ये है जी शक्करकंदी, साइज तो बहुत बड़ा बड़ा है, 1.99 kg, मतलब 200 रुपये की 1 किलो है।
नींबू 7 हैं 1 पाउंड के, 100 रुपये के 7 नींबू हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये है जी शिमला मिर्च, बहुत बड़ी बड़ी है, 2 for 1, मतलब 2 जो होंगी 1 पाउंड की है। ये टमाटर का रेट नहीं लिखा हुआ लग रहा मुझे। ये बाकी सब्जियां हैं, ये हरी मिर्च, बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची है। ये इसका ये क्या धनिया है, 2.150, मतलब तकरीबन 225 रुपये के करीब का ये 1 किलो पड़ेगा। इस मार्केट के सामने है जी वेम्बली स्टेडियम, ये जो सेमी सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये एक बड़ा फेमस चीज़ है। मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कैसे चलता है। इसके अंदर पड़ा हुआ है जी हमारा चोरी किया हीरा अंग्रेजों ने, कोहिनूर।